कॉन्टिन्यूटी एंड टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास है कि एक टेक्निक जिसकी वजह से हम ये बता सके कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अच्छा, कॉन्टिन्यूस है कि मैं कोई भी फंक्शन लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास है ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट इफ द लिमिट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सीधे एग्जाम्पल हमारे पास इन्होंने ग्राफ किया कि पहली वैल्यू 1 पे थी और फिर जा रही है 0 पे, स्लाइड डाउन कर रही है, मतलब जो मैंने वैल्यू लेके चली थी वो वैल्यू नहीं आई। अब उसके बाद जा रही है हमारे पास वो 2 पे, फिर जाएगी 3 पे, उसने बोला 2 से 3 पे हमारे पास सेम है, तो वो 2 और 3 पर क्या हो गई, कॉन्टिन्यूस। डेफिनेशन बोलती है कि अगर उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हो, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, आप चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट लो, ऑलवेज क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस। यहाँ हमें एफ सी एग्जिस्ट, सी लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ। अच्छा, डोमेन का कहना कि जिसके अंदर हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। एफ सी एग्जिस्ट कब करेगा, अगर वो एक्सटेंड्स टू सी करेगा, टेंड्स टू सी का मतलब क्या उधर की साइड वैल्यू लेकर जा रहे हो, उस पर लेकर जा रहे हो। एक हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया कि वैल्यू जाती हुई तो दिख रही है, ठीक है, सी तक जाएगी लेकिन वहां पर एग्जैक्ट नहीं पहुंचेगी। हम कॉन्टिन्यूटी और लिमिट की जब बात करेंगे तो आप टेंड्स टू बोलोगे, एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं बोलोगे कभी भी। हमेशा जब आप लिमिट की बात करते हो तो ये वाला साइन लगाते हो ना, तो टेंड्स टू बोलता है नॉट इक्वल टू, जहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वो टेंड्स टू सी आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। दो चीज हमारे पास होती है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। ये देखो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 डाली तो भी और माइनस 2 डाली तब भी वैल्यू क्या आ रही है, 0। 4 माइनस 4 ऑलवेज क्या रहेगा मेरे पास, 0। यानी आप राइट हैंड पे भी बात कर रहे हो और लेफ्ट हैंड। अच्छा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जो उसके हमारे पास नेबरहुड्स कहलाते हैं, ठीक है। ए फंक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी डोमेन विच इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे देखो ये लीनियर है, एक सिंपल लाइन चल रही है कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लूं, y इज इक्वल टू 3 ले लूं, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट ये देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा ये देखो यहाँ इन्होंने गैप छोड़ रखा है, मतलब इतने डोमेन को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज क्या जाएंगी, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कॉन्टिन्यूस। स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर पेयर हमेशा